हो चुका है और आधा नीचे बाकी है। तो ये मेरा पति पेंटर। तो एक दिन में ना ये होता नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है। अभी सुबह की बजे है 10 और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके जस्ट अभी बैठे हैं। और हम लोग मीन्स मेरे हस्बैंड आज घर पे है क्योंकि उनको बहुत तेज फीवर आया है, बहुत तेज। कल रात से नहीं, 2-3 दिन से आ रहा है खाली रात रात को, लेकिन अब जो है दिन में भी आने लगा है। तो आज बहुत तेज बुखार है उनको, बहुत तेज, इसलिए ये ऑफिस भी नहीं गए। तो मैं दिखाती हूँ मैंने कहा इनकी हालत। मेरे हस्बैंड जो काले से लग रहे हैं, बट बहुत तेज बुखार है इनको। अंधेरा है ना तो दिख नहीं रहा है, अब और भी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ो तुम। बहुत तेज बुखार और दवाई भी ली है इन्होंने तो ठीक नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। और अभी हमने ब्रेकफास्ट में किया था अंडा और घुगनी। घुगनी मतलब चना। तो इसको हम घुगनी कहते हैं। तो वो क्या था और रोटी। तो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा रहा, मस्त रहा। और यहाँ पे ना इसके अंदर पानी रखा था हस्बैंड ने नहाने के लिए, और इसके अंदर बंदर कूद के नहा रहे थे। मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मैं बनाऊंगी तो भाग जाएंगे। और ये देखो चप्पल से पापा अट्टर पापा तो को। और ज्यादातर इस पेड़ में रहते हैं ये लोग, ये वाले चीकू के पेड़ में। ऑलमोस्ट बंदर हम ही आगे की रस्सी। ये देखो दिख गए ना ये सारे। ये देखो लागी नहीं है खनोर और बच्चा रस्सी पीठी। गाइस गुड इवनिंग, अभी शाम के बजे हैं 6 और हम थोड़ा सो गए थे क्योंकि ऐसा टाइम है ना कि आलसीपन जैसा लगता है मुझे, सारा साल लगता है बट लगता है हाँ। तो इस वजह से हम सोए थे थोड़ा सा, और हस्बैंड अभी ठीक है और आज हम ऊपर है चाय लेके, जो हमारा इवनिंग जो रूटीन चलता है वो। तो आज के मेन्यू में बहुत कुछ है सो मैं दिखाती हूँ गाइस। ये है मेरा व्हाइट सॉस पास्ता और ये चिप्स है, ये चाय है। व्हाइट सॉस पास्ता तो मैंने आपके साथ शेयर किया है और मैं बनाने वाली हूँ कुछ दिन के बाद रेड सॉस पास्ता, सो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और ये तो मेरा फेवरेट बन चुका है घर में, जो बहुत यम्मी बनता है। दोपहर को बनाया था मैंने, तो मैंने शाम के लिए रखा है। और ये आई थिंक आपने एक आवाज़ सुनी होगी कि कोई खास रहा था, जो कि वो खास कौन रहा था पता है, नहीं दिखेगा। बंदर एक बंदर है पेड़ में, तो वो बंदर खास रहा था। वो देखो वो ये खास रहा था, इसको भी मतलब मेरे हस्बैंड से वायरस आ गया है। अरे वो जो बंदर है ना वो सारी चीज़ों को देख के ना नीचे उतर गया है, खाने की चीज़ों को देखकर। पता नहीं कहाँ से कहीं से भी आ सकता है। तो हम लोग इसको फिनिश करते हैं।
কয়ে পড়ো রে তুমি যদি না পড়ো তাহলে তোমার ম্যামরে আমি বাড়ি নিয়ে যাবো হয় বাড়ি নিয়ে যাবে কিন্তু আমারে एबीसीडी पढ़ ओए एबीसीडी पढ़ो जल्दी याद करो क्यों नहीं मैम क्यों नहीं क्यों नहीं जल्दी पढ़ो ए फॉर क्यों मैम क्यों नहीं पढ़ोगे पढ़ो कलम दे पढ़ोगी कलम ये लो कलम फिर ডাকাতিও এইরম চড় মারবো না দে দে আমি রে এক থাবা মারে উড়িয়ে দেবো বই পড় জলদি বই পড় এই যে বি এই যে বি বি ফর বয় বি ফর বয় তারপরে এই যে এই যে এই যে সি ফর ক্যাট এম মিস বান্দর এম মিস বান্দর